हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पे, और वो है हमारे हाथों की रेखाओं पे। हमारी हथेली में भाग्य रेखा कैसी है? हमारी हथेली में बहुत तरह की रेखाएं होती है, और जैसे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, विवाह रेखा, बहुत तरह की रेखाएं होती है दोस्तों। उसके बारे में भी आपको दो दो लाइन बताऊंगी, पर आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा की। यदि हथेली में भाग्य रेखा कैसी है तो हमारी दो लाइनें बता देगी कि हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, हमारी किस्मत चमकेगी कि नहीं। दोस्तों, हस्त रेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं का विशेष ही महत्व होता है। इसमें सम्मिलित लक्षण जैसे क्रॉस, सितारे, वर्ग, अर्धचंद्र आकार का अध्ययन हथेली द्वारा ही किया जाता है। ये रेखाएं हमारे भविष्य को, हमारे जिंदगी में क्या शुभ होने वाला है या क्या अशुभ होने वाला है वो दर्शाती है। दोस्तों, रेखाओं को मैं मानती हूँ, लेकिन हमारे कर्म, सबसे ज़्यादा हमारे कर्म और हमारे पिछले पूर्व जन्म के जो पाप और पुण्य होते हैं वो भी तय करते हैं कि हमारा जीवन आगे कैसे होने वाला है। तो दोस्तों, हम जरूर देखेंगे हमारी रेखाएं, हमारी भाग्य रेखा क्या बताती है हमारे जीवन के बारे में, पर पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, समझ के रखें। और अगर अशुभ संकेत देती है तो वो मिस्टेक्स हमें नहीं करने हैं। दोस्तों, ये रेखाएं अपने नाम के अनुसार, जितनी भी रेखाएं होती है अपने नाम के अनुसार परिणाम देती है। जैसे मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा का आरंभ हमारी तर्जनी उंगली के नीचे से होता हुआ हथेली के दूसरी तरफ जाता है, जब तक उसका अंत ना हो। दोस्तों, हमारी मस्तिष्क रेखा हमारी बुद्धि के विश्लेषण को, सीखने की विशिष्ट विद्या को आदि को दर्शाती है। नेक्स्ट होती है हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा का उद्गम हमारी कनिष्ठा उंगली के नीचे से हथेली को पार करता हुआ तर्जनी उंगली के नीचे समाप्त हो जाता है। ये रोमांस की भावनाएं, मनोवैज्ञानिक जो हमारी मेंटल सहन शक्ति होती है, हमारी पेशेंस होती है, हमारी भावनात्मक स्थिरता होती है, हमारे डिप्रेशन की संभावनाओं, ये सब हमें बताता है कि हम कहाँ, हमारी मेंटल स्थिति क्या होने वाली है। जीवन रेखा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा होती है। जीवन रेखा अंगूठे के आधार से निकलती हुई हथेली को पार करते हुए वृत्त के आकार में कलाई के पास जाके समाप्त होती है। ये थोड़ी सी विवादास्पद रेखा है दोस्तों, और शारीरिक शक्ति और जोश के साथ शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की भी व्याख्या करती है। हमारे शरीर की सुदृढ़ता महत्वपूर्ण अंगों के साथ साथ समन्वय, रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य का विश्लेषण भी करती है। दोस्तों, सूर्य रेखा भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, अपोलो रेखा जिसको हम कहते हैं, सफलता की रेखा या बुद्धि की रेखा के नाम से भी माना जाता है। दोस्तों, ये रेखा कलाई के पास चंद्र पर्वत से निकलकर अनामिका तक जाती है। ये रेखा लाइफ में इंसान को पॉपुलैरिटी और सक्सेस मिलेगी कि नहीं वो बताती है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेखा है दोस्तों, वो है स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य रेखा बुध रेखा के रूप में भी जानते हैं इसको, और कनिष्ठा उंगली के नीचे से बुध पर्वत से आरंभ होकर कलाई तक जाती है। इससे अगर कोई लाइलाज बीमारी हमारे जीवन में होने वाली होती है तो वो हम जान पाते हैं। यात्रा रेखा होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों। क्षितिज रेखाएं कलाई और हृदय रेखा के बीच हथेली के विस्तार पे स्थित होती है। विवाह रेखा बहुत ही एक्साइटिंग रेखा है दोस्तों, मैं दूसरे वीडियो में आपसे विवाह रेखा की बात करूंगी। आज हम भाग्य रेखा की बात करने वाले, तो उस पर ज्यादा स्ट्रेस देंगे। सब जल्दी जल्दी देख लीजिए अपने हाथ में विवाह रेखा आपकी क्या कहती है, क्योंकि ये जीवन में खुशी, वैवाहिक दंपति के बीच प्रेम, स्नेह के अस्तित्व को दर्शाती है। दोस्तों, ये रेखा कनिष्ठा के बिल्कुल नीचे और हृदय रेखा के ऊपर स्थित होती है, और इसका विश्लेषण करते समय शुक्र पर्वत और हृदय रेखा को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत सारी रेखाओं के बारे में बताया, सारी रेखाएं ऑलमोस्ट बता दी है। बात करेंगे अब हम भाग्य रेखा की। हमारी भाग्य रेखा हमारी बताने वाली है कि हमारी किस्मत आगे चमकेगी कि नहीं।
समझ लीजिए दोस्तों, भाग्य रेखा कहाँ से आरंभ होती है और इसकी स्थिति क्या होती है। भाग्य रेखा कलाई से आरंभ होती है, चंद्र पर्वत से होते हुए जीवन रेखा या मस्तिष्क या हृदय रेखा तक जाती है। ये रेखा वो चीजों को बताती है हमारे जीवन में, वो चीजों को दर्शाती है जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे स्टडीज रिलेटेड, अब कुछ लोग कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ पर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, तो दोस्तों भाग्य रेखा हम चेक कर सकते हैं अपनी। करियर है, करियर नहीं बनता है, काफी बार मेहनत करते, एजुकेटेड है, सब है, पर भाग्य नहीं काम करता है। तो भाग्य आप इसको देख के पता लगा सकते हैं कि आपका भाग्य कैसा है। जीवन साथी का चुनाव, कभी कभी शादियों में देर होती है, जीवन में सक्सेस नहीं मिलता है, सब करने के बाद भी परेशानियों ने चारों तरफ से घर करके रखा होता है, भाग्य रेखा तब हम देख सकते हैं दोस्तों। हमारी भाग्य रेखा, जीवन रेखा, मणिबंध, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा या चंद्र पर्वत से शुरू होकर जो हमारी मध्यमा उंगली के नीचे वाला भाग है, जिसको हम शनि पर्वत बोलते हैं, वहां तक जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं भाग्य रेखा के अनुसार आप भाग्यशाली हैं कि नहीं। फिर से बता रही हूँ दोस्तों, सिर्फ समझने के लिए, इसको दिल पे नहीं लेना है, आपको मैं बता रही हूँ ताकि आप जान के रख सके कि भाग्य रेखा हमारी कैसी होती है। पहली रेखा हम बात करेंगे, यदि हथेली में भाग्य रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ हो तो व्यक्ति खुद की मेहनत से बहुत अधिक धन प्राप्त करता है। अगर सेकंड है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा आपकी कलाई से प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक गई है, शनि पर्वत कौन सा हुआ, मध्यमा उंगली के ठीक नीचे, बीच वाली जो उंगली है आपकी, उसके जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम शनि पर्वत कहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा कलाई से प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक गई है और दोष रहित है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और लाइफ में सफल होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की हथेली में भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से प्रारंभ होती है, चंद्र पर्वत कौन सा हुआ दोस्तों, जहां से हमारी हेडलाइन शुरू होती है या मतलब मस्तिष्क रेखा शुरू होती है, तो ऐसे लोग दूसरों की मदद या प्रोत्साहन, आप उनको प्रोत्साहित करेंगे तो वो सफलता बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं। चौथा बताती हूँ दोस्तों, यदि भाग्य रेखा हथेली को पार करता हुआ मिडिल फिंगर तक जा पहुंचे तो यह अशुभ योग दर्शाती है, ऐसा व्यक्ति खुद की गलतियों से हानि उठाता है। यदि भाग्य रेखा किसी स्थान पर जीवन रेखा को काट देती है तो उस आयु में व्यक्ति को कोई अपमान या कलंक झेलना पड़ सकता है। सिक्स्थ है दोस्तों, यदि चंद्र पर्वत से निकलकर कोई अन्य रेखा भाग्य रेखा के साथ साथ चले तो व्यक्ति की शादी अत्यंत धनी परिवार में होती है और वो कोई किसी भी लेडी की थ्रू सफलताएं प्राप्त करते हैं लाइफ में। बात करते हैं हम सातवीं रेखा की। भाग्य रेखा हथेली के प्रारंभ से जितनी दूरी से शुरू होती है, व्यक्ति का भाग्य उदय उतना ही विलंब से होता है। दोस्तों, भाग्य रेखा अगर टूटी हुई हो और या अन्य रेखाओं से कटी हुई हो तो ये भाग्यहीनता का भी संकेत देती है। भाग्य रेखा अगर हृदय रेखा पर रुक जाए तो व्यक्ति प्रेम संबंधों के कारण असफलताओं को प्राप्त करता है, और यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा के साथ गुरु पर्वत तक जा पहुंचे तो वो व्यक्ति प्रेम संबंध से सफलताएं प्राप्त करता है। लास्ट रेखा कैसी पोजीशन में हो दोस्तों, वो बात करते हैं। यदि भाग्य रेखा हमारी मस्तिष्क रेखा पर रुक जाए तो व्यक्ति अपनी ही गलती से असफलताओं को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताई कि आपकी भाग्य रेखा कैसी होनी चाहिए। आप लोगों ने अपनी अपनी भाग्य को चेक कर लिया होगा, और अगर भाग्य अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ी सी इसका मतलब, और आपको अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं लाइफ में
इसका मतलब है आपका भाग्य सॉलिड है पर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। कर्म करें दोस्तों तो आपके भाग्य चमक जाएगा। और दूसरी ओर अगर आपके भाग्यहीनता का संकेत आ रहा है दोस्तों, तो भी आपको ज्यादा मेहनत करनी है लाइफ में, ताकि आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकें। दोस्तों मैंने एक आपको वीडियो भी शेयर किया है दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें, वो आप ध्यान से देखें। अगर आपकी भाग्य रेखा भाग्यहीनता का संकेत देती है या भाग्य कमजोर बताती है, तो वो आप वीडियो जरूर देखें, ताकि आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकें। और दोस्तों अगर हमारे कर्म अच्छे हों, हमारे अंदर ऑनेस्टी हो लाइफ में, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। बस खुद पे विश्वास रखिए लाइफ में और आगे बढ़िए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। किसी तरह के क्वेश्चंस हो तो मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। हाँ, और एक बात और दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से वीडियोस को शेयर करते रहें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं दोस्तों बहुत ही रोचक होती है, बहुत ही नॉलेज वाली होती है, बांटने लायक होती है। तो अपने दोस्तों और परिवार से ज़रूर बांटें ये वीडियोज़ को। बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, वहाँ पर शेयर करते रहें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आपकी स्माइल आपके भाग्य को वैसे भी बदल देगी। तो खुश रहा कीजिए और स्माइल करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड हैप्पी डे। जय माता दी। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 Edge और एक ली इको का ली 2 मोबाइल। उसके लिए आपको तीन सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में तीन चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है, कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर